हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ बिहार। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ बिहार ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैकल्टी एंड देयर प्लेसमेंट। वहाँ पे जानेंगे कि प्लेसमेंट कैसे, मतलब वहाँ पे होता है या नहीं होता है, या फिर वहाँ पे फैकल्टी कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग टॉप 10 जो लिस्ट निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फैकल्टी, वहाँ पर स्टडी कैसा होता है, क्योंकि इसमें मेन तो फोकस स्टडी पर होना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जो भी नया बिल्डिंग बन रहा है सारा का इंफ्रास्ट्रक्चर तो गुड लुकिंग है। ठीक है, तो अभी हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द फैकल्टी हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ बिहार। ठीक है, तो नंबर 1 पे आता है न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13। ठीक है, यहाँ पे फैकल्टी जो है, फैकल्टी यहाँ का अगर देखा जाए तो फैकल्टी यहाँ का मतलब पूरे बिहार में नंबर 1 पे आता है। ठीक है, पटना 13 का फैकल्टी बहुत मस्त है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर नंबर 2 पे देखेंगे तो नंबर 2 पे आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7। पटना 7 इसका बिल्डिंग भी जो है वो भी सही है, और यहाँ पे फैकल्टी मस्त है और भी फैसिलिटी है, क्योंकि इसकी मेन बात है कि यहाँ पे पटना में अवेलेबल है, सिटी में अवेलेबल है। ठीक है, तो पटना में अवेलेबल है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल आपको मिल ही जाएगा, सारा फैसिलिटी जो होता है वो भी आपको मिलेगा, प्लस में जो फैकल्टी है, फैकल्टी तो साथ में ऑलमोस्ट गुड ही है। ठीक है, और नंबर 3 थर्ड रैंक पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट वोमेंस पॉलिटेक्निक फुलवारी शरीफ, ये भी पटना में ही है। फुलवारी शरीफ जो न्यू कॉलेज खुला था गवर्नमेंट वोमेंस पॉलिटेक्निक पटना में ही, ठीक है, फुलवारी शरीफ में। यहाँ पे ओनली फॉर गर्ल्स, दिस कॉलेज इज ओनली फॉर गर्ल्स। ठीक है, ओनली गर्ल्स कैन टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। इस कॉलेज में केवल लड़की लोग एडमिशन ले सकती है, क्योंकि स्पेशल उन्हीं लोग के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, बाकी ये सब जो कॉलेज, इसमें भी गर्ल्स लोग एडमिशन ले सकती है, इसमें भी ले सकती है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट वोमेंस पॉलिटेक्निक में ओनली फॉर गर्ल्स। ठीक है, ओनली फॉर गर्ल्स, ठीक है, वो केवल गर्ल्स के लिए है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे नंबर 4, रैंक 4 पे जो कॉलेज आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर। इसका जो भी है, इसका फैकल्टी इससे थोड़ा डाउन है, लेकिन मस्त है। और भी बाकी जो कंपैरिजन करेंगे दूसरे कॉलेज से, बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज से, तो उसके कंपैरिजन में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर का फैकल्टी औसम है, गुड है। ठीक है, और उसका बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग भी मस्त है, लेकिन थोड़ा ओल्ड है, लेकिन बाकी सब कुछ फैसिलिटी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद फिर आता है 5 रैंक पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया। ठीक है, गया जो है ये अभी नया बिल्डिंग इसका है, ऑलमोस्ट है नया बिल्डिंग है, पहले से भी था लेकिन उसमें कुछ और मतलब कंस्ट्रक्शन हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। बाकी हॉस्टल वगैरह सारा चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पे, हॉस्टल फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। बाकी फैकल्टी, तो फैकल्टी के कंपेरिजन में ही हम इसको बता रहे हैं, फैकल्टी के कंपेरिजन में ही टॉप 5 में आता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करें, एक तो गया देखिए, गया में कन्फ्यूजन मत रखिए, क्योंकि गया में 2 कॉलेज है, एक जीपी टेकारी गया है, टेकारी है, अरे मतलब जीपी गया है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। टेकारी में जो है कॉलेज वो गया से ऑलमोस्ट 20 या 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ डिस्टेंस है वहाँ पे, लेकिन ये जो गया में है इसकी हम बात कर रहे हैं, टेकारी वाले की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे नंबर 6, रैंक 6 पे आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर। भागलपुर ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ बिहार है। ठीक ना, ये ओल्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ पे फैकल्टी भी मस्त होते, प्लेसमेंट प्लेसमेंट यहाँ पे होती है। ठीक है, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्लेसमेंट यहाँ पे होती है, इस सब में भी प्लेसमेंट होती है, यहाँ यहाँ इसमें भी प्लेसमेंट होती है, पटना के तीनों कॉलेज में ऑलमोस्ट प्लेसमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद भागलपुर, भागलपुर में प्लेसमेंट होता है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे नंबर 7, नंबर 7 पे आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोपालगंज। गोपालगंज है, थोड़ा सा इसका लोकेशन जो है वो थोड़ा सा मतलब आउट एरिया में है, ऑलमोस्ट तो सारा कॉलेज का ही लोकेशन, मतलब जो रूरल एरिया में जो कॉलेज बना है उसका लोकेशन थोड़ा सा ऑड है, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटी अच्छा आपको मिलेगा। ठीक है,
फैसिलिटी के मामले में गुड है। बाकी हॉस्टल इस सब का थोड़ा सा इसमें आपको कमी दिखेगी, हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह में सारे को हॉस्टल नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कैंपस जो है, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर वो वेल कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग बात करेंगे एट रैंक पे, एट रैंक पे आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूर्णिया। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूर्णिया है, यहाँ पे भी आपको फैकल्टी मस्त मिलेगी, पढ़ाई आपको अच्छी होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नाइन नंबर पे, नाइन पे आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरौनी। बरौनी जो है यहाँ पे आपको इसका, ये भी बहुत ही ओल्ड कॉलेज है, ठीक है। इसका रैंक और ऊपर था, लेकिन धीरे धीरे इसका रैंक नीचे चलता गया, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है वो नहीं हो रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बना हुआ था, जो कैंपस का कंस्ट्रक्शन जो पहले हुआ था जहाँ तक, बस वहीं पे वो स्टॉप है, ठीक है। नया इसमें कुछ नहीं कंस्ट्रक्शन हुआ है, इस वजह से इसका जो रैंकिंग है वो लो होते गया है। लेकिन इसका जो फैकल्टी है, फैकल्टी आपको मस्त है, फैकल्टी आपको यहाँ पे टॉप मिलेगा, टॉप क्वालिटी का फैकल्टी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे और भी मतलब वर्कशॉप वगैरह भी है, वर्कशॉप का है लेकिन थोड़ा सा ओल्ड है, ठीक ना। जो न्यू इक्विपमेंट जो आता है, जो न्यू इक्विपमेंट जो न्यू कॉलेज में इस्टेब्लिश हो रहा है, वो चीज़ अभी यहाँ पे नहीं है, उसकी कमी आपको महसूस होगी, लेकिन फैकल्टी सही मिलेगा। बाकी प्रैक्टिकल वगैरह का वर्कशॉप का उसमें थोड़ा सा कमी है उसमें, ठीक है। उसके बाद नंबर टेन पर देखें तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीसराय, लखीसराय इसका फैकल्टी अच्छा है, फैकल्टी अच्छा है और भी मतलब यहाँ पे पढ़ाई वगैरह फैसिलिटी वगैरह मिलेगा, ठीक है। हॉस्टल की कमी हो सकती है, यहाँ पे हॉस्टल भी है, मतलब सारे कॉलेज में ऑलमोस्ट मतलब हॉस्टल का फैसिलिटी है, लेकिन बिल्डिंग जो है हॉस्टल का उतना बड़ा नहीं है जो सारे स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सके हॉस्टल, ठीक है। लेकिन अभी जो नया कॉलेज बन रहा है, बहुत सारे नया कॉलेज बना है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औरंगाबाद हो गया, आपको कैमूर वो भी जो 2016-17 में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। तो ये सब हॉस्टल वगैरह सफिशियंट है। बक्सर जो अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, बक्सर कॉलेज, जीपी बक्सर, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, फैसिलिटी मिल जाएगा आपको, सारा हॉस्टल का फैसिलिटी मिल जाएगा, वर्कशॉप का फैसिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फैकल्टी भी है, टॉप क्वालिटी फैकल्टी है, लेकिन उसमें थोड़ी इस सब के कंपेरिजन में थोड़ा आपको लो है, ठीक है। आगे फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे टॉप टेन के अलावा जो और कॉलेज आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वर्कशॉप इक्विपमेंट जो इस्टेब्लिश हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और इस टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज का, ठीक है, ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर वर्कशॉप इक्विपमेंट एंड द हॉस्टल फैसिलिटी, ठीक है। ये था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैकल्टी, फैकल्टी के अकॉर्डिंग हम टॉप टेन कॉलेज को निकाले थे, ठीक है। बहुत सारे टॉप टेन मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ फैकल्टी था। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस एंड द वर्कशॉप और वर्कशॉप में जो इक्विपमेंट एस्टेब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें,